हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको टू कलर से ये पुरानी चुनियों से डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। आप इसे डोरमेट भी बना सकते हो, टेबल मैट भी बना सकते हो, पूजा का आसन भी बना सकते हो, और जितना भी आपको बड़ा छोटा साइज में बनाना है आप इसे बना सकते हो। सेम तरीका रहेगा जो मैं आज आपको बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने इसमें चुन्नी की पट्टियाँ बनाई हैं, और इसके लिए मैंने 8 नंबर की नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेते हैं, और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले इसमें हम फंदे डालेंगे। ये देखिए, फंदे में बिल्कुल ही आपको सिंपल तरीके के बताऊँगी। ये देखिए, हमने एक यहाँ पर नोट लगानी है। आप इसको एक बार और लगा के ऐसे टाइट भी कर सकते हो अच्छे से, ताकि ये हमारी खुले ना, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगानी, ऐसे ही जो ऊपर नीचे थोड़ी सी हमारी ये ऊपर नीचे हो जाए, इस तरीके से हमने यहाँ पे नोट लगानी है। तो देखिए, नोट लगाने के बाद एक फंदा हमारा नोट से हो गया, ये हमने डाल लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं इसमें 30 फंदे और डाल लेती हूँ। 40 फंदे पे हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो मैं फंदे डाल लेती हूँ बाकी के। ये देखिए, यहाँ पे हमने 40 फंदे डाल लिए हैं। 40 फंदे डालने के बाद देखिए, ये रो हम फ्रेंड्स, बेसिक रो है हमारी, इसको हम बहुत ही आराम से बनाएंगे, ऐसे आराम से बनाएंगे। दोनों फंदों के बीच में हमारा गैप नहीं आना चाहिए। आराम आराम से हम इस रो को उतार लेंगे ऊपर। ये बहुत ही जल्दी जल्दी बनके कंप्लीट होगा। इस तरीके से जो हमने फंदे डाले हैं उसमें हम बिल्कुल ही ऐसे आराम से बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे आपने सारे फंदे दूसरी निडल पे बना के उल्टा उल्टा उतारने हैं। ये देखिए, तो मैं ये सारे फंदे इस निडल में इसी तरीके से नीचे तक बना लेती हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से आपने बनाने हैं। देखिए, पूरी रो मैंने उतार ली है, बिल्कुल नीचे आ गए हैं हम। देखिए, जिससे हमने नोट लगाई थी उस फंदे को भी हम बना लेंगे। ये देखिए, पूरी रो हमने बना के कंप्लीट कर ली। पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी साइड बनेगी, ये उल्टी साइड बनेगी। तो अब देखिए, अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, देखिए ऐसे हम पट्टी को लपेट लेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पे लपेटने से बढ़ गया, और ये पूरे फंदे हम इसी तरीके से इसको भी हम अंदर ही दबा लेंगे। पूरी रो में इसी तरीके से लास्ट तक नीचे तक बना लेती हूँ। ये देखिए, नीचे तक आ गई हूँ मैं। 4 फंदे हम नीचे छोड़ देंगे, और मैं यहीं से पलट लूँगी। एक फंदा हमने ऊपर यहाँ पे बढ़ा लिया है, और 4 फंदे मैंने नीचे छोड़ दिए। मैंने 4-4 का पेयर बनाया फ्रेंड्स। आप अगर छोटा बनाओ, जैसे 20 फंदे का बनाओ तो 2-2 का पेयर आप बना सकते हो। 30 फंदे का बनाओ तो 3-3 का पेयर आप बना लीजिए। 50 फंदे का बनाओ तो 5-5 का पेयर भी आप बना सकते हो। तो मैंने 4 फंदे छोड़ दिए। ये रो पूरी मैं कंप्लीट करूँगी, यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखिए, बड़ा हुआ फंदा भी हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक हमने यहाँ पे फंदा बढ़ा लिया, और ये तो काफ़ी बड़ा बनके कंप्लीट होगा, और 4 फंदे हमने पीछे छोड़ दिए। फिर से देखिए, हम यहाँ पे लपेट लेंगे, और मैंने दूसरा फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया। 2 फंदे हमारे बढ़ा लिए हमने, 4 फंदे हम पीछे छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम ये 4-4 फंदे छोड़ते हुए ऊपर तक आ जाएंगे, और इस साइड हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे फंदे बढ़ा लेती हूँ। इसको इसी तरीके से मैं बनाऊँगी, फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊँगी। हम यहाँ पे टोटल 10 फंदे बढ़ाएंगे। 2 मैंने बढ़ा लिए, मैं यहाँ पे 8 फंदे और बढ़ाऊँगी, फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊँगी। ये देखिए, 9 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं।
चार फंदे मैं अभी यहाँ पे लास्ट के छोड़ दूंगी, बाकी मैंने सारे ही देखिए चार चार फंदे करके मैंने सारे ही 9 बार फंदे छोड़ दिए हैं। और ये देखिए मैं गिन के दिखा दूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारी ये लाइन बन गई हैं। जब हम दो रो बनाते हैं सीधी और उल्टी तरफ से, जब हमारी ये एक लाइन बनती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट का फंदा भी हम अपना इसमें बढ़ा लेंगे। ये देखिए 10वां फंदा मैंने बढ़ा लिया। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और चार फंदे ये लास्ट के मैं छोड़ दूंगी। हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये देखिए, जब भी आप साड़ी और चुन्नी से बनाओगे तो आपने इसमें इस तरीके से जॉइंट लगाना है। दूसरी पट्टी लेंगे और इसके अंदर हम ऐसे रोल कर देंगे। जॉइंट हमारा लग गया है, आप इसको अंदर ही ऐसे दबा दीजिए। ये देखिए आगे के 10 फंदे हम इस कलर से बना लेंगे। हाफ कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये एक कलर से बनानी है तो आप इसको एक कलर से भी बना सकते हो। मैं इसको दो कलर से बनाऊंगी, हाफ में दूसरे कलर से बनाऊंगी। तो देखिए इस रो को फ्रेंड्स हम इसी तरीके से लास्ट तक बना लेंगे। तो मैं इसे यहाँ जो हमने चार चार करके फंदे छोड़ रखे, सारे फंदे मैं यहाँ तक बना लूँगी। ये देखिए बिल्कुल नीचे तक आ गई हूँ मैं इसको बनाती हुई। सारे फंदे मैंने बना लिए। अब यहाँ से इसमें मैं फ्रेंड्स दूसरा कलर लगाऊंगी। आप कोई भी कलर लगाइए। इसको आप ऐसे टाइट कर लीजिए, क्योंकि बैक साइड से भी हम इसको बहुत ही सफाई के साथ बना के कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए पूरी रो में बैक साइड से इस तरीके से बना के मैं इसमें कलर चेंज कर लूँगी। ऊपर तक मैं इसी तरीके से इसको बना लेती हूँ। ये देखिए पूरी रो मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। आप देखिए इस साइड से हम इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा हमने घटा लिया और लास्ट में हम 4 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे। तो मैं इस रो को इसी तरीके से नीचे तक बना लूँगी। ये देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए और मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी। बैक साइड से हम इसी तरीके से बना के इस रो को मैं ऊपर तक लेके जाऊंगी। ये देखिए ऊपर तक आ गई हूँ मैं बैक साइड से इस रो को बनाती हुई। फिर से हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए हमारी ऊपर से शेप बननी स्टार्ट हो गई है और फिर से हम इसका 2 का 1 कर देंगे। ये मैंने दूसरा फंदा यहाँ पे घटा दिया। तो इसी तरीके से हम एक फंदा ऊपर से घटाएंगे और 4 फंदे नीचे से छोड़ देंगे। जैसे हमने नीचे से बनाया था, एक फंदा बढ़ाया था और 4 फंदे पीछे छोड़े थे, अब हम ऊपर से घटाएंगे और 4 फंदे पीछे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कली की लुक कैसी आई है। ये देखिए 9 फंदे मैंने घटा लिए हैं, एक फंदा ऊपर मेरा बचा हुआ। ये देखिए 5 फंदे ऊपर बचे हुए हैं, तो एक फंदा मेरा ये एक्स्ट्रा है। और ये देखिए चार चार करके सारे ही फंदे मैंने इसमें छोड़ दिए हैं। बिल्कुल सेम जैसी हमारी नीचे कली बनी थी ऐसी ऊपर बन के कम्प्लीट हुई है। तो देखिए लास्ट का फंदा भी हम 10वां फंदा घटा लेंगे। और इस रो में फ्रेंड्स हम ये सारे ही फंदे जो हमने चार चार करके छोड़ रखे हैं, ये हम सारे ही फंदे नीचे तक बना लेंगे। ये देखिए आपको अलग से दिखाई देंगे ये। तो मैं ये पूरी रो को नीचे तक बना लेती हूँ।
ये देखिए नीचे तक मैं आ गई हूँ। ये लास्ट के फंदे भी हम बना लेंगे। ये देखिए ये पट्टी मेरी इतनी छोटी हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको आगे अब यूज नहीं करना है। ये देखिए यहाँ से अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे जिससे मैंने स्टार्टिंग की थी, क्योंकि अब हम यहाँ से दूसरी कली की स्टार्टिंग कर देंगे। तो मैं यहीं से ये दूसरा कलर जो हमने पहले छोड़ा था ये मैं लगा लूँगी, और ये जो है हमारा इसको मैं अंदर ऐसे बैक साइड में दबा दूँगी। ये देखिए ये मेरा छोटा हो गया इसलिए मैंने इसको दबा दिया। जैसे मेरे ये पिंक पट्टी यहाँ पे नीचे बची हुई थी तो मैंने यहाँ से इसको यूज कर लिया, तो आप अगर बड़ी पट्टी हो तो आप ऐसे छोड़ दीजिए। तो पूरी रो मैं इसी तरीके से ये बना के कंप्लीट करूँगी। देखिए पूरी रो मैंने बैक साइड से कंप्लीट कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स एक कली काफ़ी बड़ी बन के ये कम्प्लीट होगी। तो अब हम दूसरी कली की इसमें इसी तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, लपेट लेंगे, एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। एक फंदा हमारा बढ़ गया, जैसे हमने नीचे फंदे बढ़ाए थे हम यहाँ पे 10 फंदे बढ़ाएंगे और चार चार करके हम पीछे फंदे छोड़ते आएंगे। जैसे हमने हाफ कली बनाई थी इस कलर से हम ऐसे बनाएंगे। 10 फंदे बढ़ाने के बाद फिर जब हम लास्ट के 10 फंदे बढ़ा लेंगे तो ये सारे चार चार के फंदे हम उसी कलर से एंड तक बना लेंगे। बैक साइड से फिर हम जैसे हमने ये ब्लू कलर लगाया था यहाँ से, इसी तरीके से फिर हम कलर लगा लेंगे और दूसरी कली भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट होगा। जो मैंने बना रखा वो मैंने 20 फंदे पे बना रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइनल इसकी बनने के बाद लुक कैसी आई है। तो ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 20 फंदे पे बना रखा है। पहले भी मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी थी, लेकिन काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमें ये बड़ा बनाना है। तो आज मैंने 40 फंदे पे आपको बता दिया है, 40 का, 30 का, 50 का सारा मैंने मेजरमेंट आपको समझा दिया है। किसी भी साइज़ में आप इसे बनाइएगा, बहुत ही सुंदर इसकी लुक और बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।